दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या अभी प्रेजेंट टाइम में आप टेली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेली सॉफ्टवेयर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जिसका नॉलेज एक फ्रेशर अकाउंटेंट को होना बहुत ही कंपलसरी है, तभी वो आगे जाके किसी कंपनी में प्रॉपर सही तरीके से अकाउंटिंग को मेंटेन कर पाएगा। तो दोस्तों, आज जिस ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे परचेज वाउचर के इनवॉइस नंबर को लेके। क्योंकि जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी आप क्रिएट करते हो तो आपने देखा होगा हर वाउचर का जो ऑप्शन होता है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिक रनिंग करता है। और जब हमारे पास हमारे सप्लायर्स का इनवॉइस आता है तो वो ये जो इनवॉइस नंबर आता है हमारे पास, तो इस इनवॉइस के नंबर को हम प्रॉपर सही तरीके से टेली सॉफ्टवेयर में इस वाउचर नंबर के ऑप्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं और आप चाहते हो भी इस ऑप्शन के साथ साथ हमें इस वाउचर नंबर में भी हमें इनवॉइस का नंबर मैनुअल रूप से टाइप करना है। तो ये सारी बातें आज आपको मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि कौन से ऑप्शन को हमें इनेबल या फिर डिसेबल करना पड़ेगा ताकि हमारा जो परचेज वाउचर का जो नंबर है सिक्वेंस में आता है उसको हम मैनुअल रूप से कस्टमाइज कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो दोस्तों, जब भी हम टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लेजर वगैरह क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम बारी आती है वाउचर इंट्री करने की। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर की इंट्री करते हैं। तो जब भी आप इंट्री करते हो तो आपने देखा होगा ये परचेज वाउचर का सीक्वेंस नंबर हमारा 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिक आ जाता है। और जबकि हम ये चाहते हैं भी हमारे पास जो मैनुअली रिकॉर्ड है, चाहे वो आपका सेल बिल बुक का रिकॉर्ड है, चाहे आपके पास सप्लायर के आए हुए इनवॉइस का इनवॉइस नंबर है, तो हम चाहते हैं भी हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो इस तरीके से यहाँ पर मैनुअल रूप से हम टाइप कर सकें, तो इस ऑप्शन को हमें इनेबल करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इस हमारी नई टैली पे चलते हैं। तो ये आप चाहे सेल वाउचर अगर हम देखेंगे तो भी आपको ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 लगेगा, तो हम इसको मैनुअल रूप से चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे टैली पे आ जाना है और गेटवे टैली पे आने के बाद आपको अल्टर के ऑप्शन पे जाना है और अल्टर पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे वाउचर टाइप को। और जैसे हम वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो हम जितने भी हमारे पास टेली सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट वाउचर क्रिएट होते हैं वो सारी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब जो जो वाउचर आप रूटीन में यूज करते हो मैनुअल रूप से, उसका जो नंबर है आपका वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग, चाहे आपका परचेज वाउचर है तो परचेज वाउचर का नंबर, सेल है तो आपका मैनुअल बिल बुक के अकॉर्डिंग जो आपका सेल का इनवॉइस नंबर है वो आपको किस तरीके से लिखना है। तो हम शुरुआत करते हैं परचेज वाउचर से। तो हम इसमें से परचेज को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम परचेज को सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा भी मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही होता है, हमें इसको ऑटोमेटिक से हटा के इसको चेंज करना पड़ेगा मैनुअल में। तो हम करेंगे इसको मैनुअल। तो जैसे ही हम मैनुअल करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिवेंट डुप्लीकेट्स भी, आप सेम वाउचर नंबर को दो बार एक्सेप्ट करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, तो आप चाहिए भी आपको डुप्लीकेट वाउचर नंबर एक्सेप्ट नहीं करवाना है तो आप इस ऑप्शन को यस करना है और उसके बाद में कोई भी आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी है और इस ऑप्शन को हम करेंगे एक्सेप्ट। और इसी तरीके से अगर आपके पास सेल वाउचर नंबर भी आप मैनुअल रूप से टाइप करना चाहते हो तो हम सेल के इनवॉइस को भी हम मैनुअल रूप से चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास सेल वाउचर में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आपके मैनुअली बिल बुक के अकॉर्डिंग आप वाउचर नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपनी सीरीज एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं जिसे हम एक यूनिक कोड कह सकते हैं सेल का। जैसे कि आपने देखा होगा इस इनवॉइस में जैसा कि आया हुआ है, जैसे कंपनी का नाम है विजय ट्रेडिंग कंपनी और इन्होंने अपना कंपनी का शॉर्ट नाम जैसे पहले दे दिया VTC, उसके बाद में स्लैश जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 का, और उसके बाद में कंटिन्यू इनवॉइस नंबर स्टार्ट हो गया जैसे कि 32541 का, इसके बाद 542 43 45 45, ये इसी तरीके से कंटिन्यू मेंटेन होता रहेगा। तो ये आपको कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। अगर आप इस टाइप की सेटिंग करना चाहते हो सॉफ्टवेयर में
तब आपको इस कंडीशन में ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर स्पेशल मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है भी, आप सेल वाउचर में जाके सिक्वेंस वाइज किस तरीके से हम इसको यूनिक कोड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड पे आपको एंड स्क्रीन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो तीनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा भी हम एक यूनिक कोड जो सेल वाउचर का होता है वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली बिल बुक के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो तो हम उसको केवल मैनुअल ही आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, तो इसको हम यस करेंगे भी, हमें डुप्लीकेट इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसी तरीके से आप जो जो वाउचर रूटीन में यूज़ करते हो उन सभी ऑप्शन को अब इस तरीके से आप ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल कर देंगे। अब वापस हम चलते हैं वाउचर पे, और जैसे हम वाउचर पे जाएंगे तो आप देख रहे हो अब हमारे पास F9 हम यूज़ करते हैं, तो पहले जो आप देख रहे हो सिक्वेंस में एक नंबर हमारे दिखाई दे रहा था, अब ये हट चुका है और अब ये हमारा कर्सर यहाँ पर कुछ लिखने के लिए भी रेडी है। तो आप चाहो तो ये इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एक बार मैं इसको सीधा ही कॉपी कर रहा हूँ मैं, और इसको हम कंट्रोल बी के साथ पेस्ट कर देंगे। आपको मैनुअल रूप से टाइप करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये मैनुअल वाउचर होगा, तो आप इसको सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम लिख सकते हैं, तो दोनों जगह आपका सेम डाटा हो जाएगा। अब आपको ये वाउचर नंबर में लिखना क्यों ज़रूरी होता है, इसका बेनिफिट क्या मिलता है? ये इसका बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमारे सप्लायर्स की अकाउंट स्टेटमेंट हम मैच करते हैं, तो ये वाउचर नंबर हमें उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। जैसा कि हम दूसरी कंपनी को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम पार्टी का एक लेज़र ओपन करेंगे हम, तो आप देख रहे हो जैसा कि ये अकॉर्डिंग हमने वाउचर नंबर है, और इस वाउचर नंबर में 9685 ये वाउचर नंबर हमने लिखा हुआ है। तो ये आपको तभी दिखाई देगा अगर आपने यहाँ पर 9685 इस वाउचर नंबर के ऑप्शन में डाला होगा। तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर एक नंबर है और आपका सप्लायर के इनवॉइस नंबर में आपका जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो आपने फिलअप किया हुआ है, तब आपको उस कंडीशन में यहाँ पर जो वाउचर नंबर है वो एक ही दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रियल वाउचर नंबर क्या है वो सही तरीके से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें उस वाउचर को मैनुअल रूप से टाइप करना पड़ता है टेली सॉफ्टवेयर में। तो काफ़ी सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से ऑलरेडी मैनुअल की होते हैं, और कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको कस्टमाइज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक देके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।